हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नाडुगला एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़ में। आज है 25 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, 4 साल से जो बॉलीवुड का बादशाह है किंग खान, उसका कमबैक हो रहा है। 4 साल से दर्शक उनकी बड़ी मूवी, बड़ी बजट, बिग बजट और बिग स्केल की मूवी जिसका इंतज़ार सब लोग कर रहे थे, जी हाँ वो है पठान। वो आज रिलीज़ हो गई है दोस्तों। और इस फिल्म का ऐसा है कि ये बॉयकॉट पठान ये भी चल रहा था, बेशरम रंग के गाने में भी कुछ ना कुछ निकल रहा था। लोग कह रहे थे कि ये बॉयकॉट होनी चाहिए। तो आज ये मूवी जो है सिद्धार्थ आनंद ने इसका डायरेक्शन किया है। ये जो मूवी है YRF की, स्पाई यूनिवर्स, यानी इससे पहले जो इन्होंने बनाई मूवी टाइगर जो है, टाइगर जिंदा है, इसके बाद फिर बनाई उन्होंने वॉर के बाद आई पठान। जी हाँ दोस्तों, ये स्पाई यूनिवर्स है। तो इस बार शाहरुख खान पठान की भूमिका में नज़र आ रहे हैं और इसमें साथ ही साथ आपको नज़र आएंगे जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा, डिंपल कपाड़िया और हाँ इसमें और एक है जो भाइयों के भाई, सलमान भाई, मतलब टाइगर, जो टाइगर जिंदा है, टाइगर के जो टाइगर है वो भी आपको इस फिल्म में नज़र आ सकते हैं। और जनता से पूछते हैं हम कि ये जो मूवी है पठान कैसी लगी, क्या है इस मूवी में, तो जानते हैं हमारी दर्शकों से पठान। जय हिंद। 4 सालों से शाहरुख खान की मूवी का लोग, दर्शक इंतज़ार कर रहे थे। वो जो मूवी है पठान, उससे कमबैक किया बड़ी स्क्रीन पे, बड़ा रोल लेके। आपने देखी मूवी, कैसी लगी आपको? पठान पिक्चर का जो ट्रेलर आया था ना, उसमें एक डायलॉग था कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके साथ क्या किया, वो ये पूछता कि वो देश के लिए क्या कर सकता। ये लाइन पे मोटा मोटी पूरी पिक्चर बनी है और काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग पिक्चर है। एक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है। शाहरुख खान का जो रोमांस वाला एंगल था वो उन्होंने फिल्म में थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है। मोटा मोटी एक जासूस एजेंट जो होता, उसका जो इम्प्रेशन होता वो फिल्म में बहुत अच्छा आया। अच्छा, तो इसमें जॉन भी है, दीपिका भी है, डिंपल कपाड़िया जी भी है, आशुतोष राणा है, तो क्या कहेंगे आप इनके एक्टिंग के बारे में? जॉन का जो रोल है ना, वो फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा है और एंड में जब क्लाइमेक्स आता तभी भी बहुत सरप्राइज देके जाता हो, उसने बहुत अच्छा इम्प्रेस किया। और दीपिका जो है वो फिल्म में बहुत अच्छा खूबसूरत भी दिखती है और वो फिल्म में ना 2-3 बार उसका कुछ ट्विस्ट है, वो देखने और समझने की ज़रूरत है। फिल्म का जो प्लॉट है उसको वो प्रॉपरली गाइड करती। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि वो फिल्में धोखा देने वाली है। ये बात खुद जाके चेक करना चाहिए पब्लिक ने कि एक्चुअली फिल्म में क्या हो रहा। आशुतोष राणा का बहुत कम रोल है, यानी गिन के 2-4 मिनट का ही रोल है, लेकिन उनका जो एंट्री सीन होता ना, वहाँ एक टेक्नोलॉजी यूज़ की है, वो देखना इंटरेस्टिंग है। और वहाँ एक कॉमेडी सीन भी है। और डिंपल कपाड़िया अब वो जो जेम्स बॉन्ड की मूवी देखते हैं तो जेम्स बॉन्ड की मूवी में एक उनका जेम्स बॉन्ड का जो एक हेड होता वो एक लेडी दिखाया गया, तो हो सकता है जो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है उन्होंने वही कंसेप्ट या वैसा ही कंसेप्ट लगा के आपका वॉर हो गया, पठान हो गया, या अपना टाइगर जो हो गया, वो फिल्मों में ऐसा कंसेप्ट वो डालना चाहते हैं। लेकिन ये फिल्म के बाद में आशुतोष राणा लीड करेंगे या डिंपल कपाड़िया लीड करेंगे या और कोई लीड करेगा, इसके लिए आपको फिल्म के एंड तक रुकना चाहिए। अच्छा, तो इस मूवी के जो गाने हैं, बेशरम गाने से लेके काफ़ी बॉयकॉट चल रहा था, तो वो गाना है इस फिल्म में कि नहीं है और कैसा लगा मूवी? देखो वो गाना तो है और गाना बहुत अच्छा बना है इन्होंने, और मेरे ख्याल से बेशरम रंग और झूमे जो पठान, ये 2 ही गाना है, तीसरा गाना तो है ही नहीं। और वो गाने को जो लेके कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी ना वो रिजनेबल थी, और वो कॉन्ट्रोवर्सी को जब फिल्म रिलीज हुई तो वो एड्रेस कर दिया गया। देखो आप वो एक पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहनो या ना पहनो वो कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, कॉन्ट्रोवर्सी इस बात के लिए थी कि आपने जो कपड़े पहने थे वो बेढंगे तरीके से पहने थे। कॉन्ट्रोवर्सी उस बात के लिए हुई जो कि अच्छा हुआ, और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया कि भाई जो फिल्म का जो गाना रिलीज़ हुआ या फिल्म जो रिलीज़ हुई उसमें वो क्लियर कर दिया गया, अब किसी को ऑब्जेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसा लगा?
फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है। जो लोग, अब नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो लोग KGF के दीवाने हैं वो अगर गौर करेंगे ना तो 3 सीन में KGF का इम्प्रेशन आपको दिखता। और जहाँ तक बात है शाहरुख खान की, तो पूरा फिल्म एंड तक के आपने रुकना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश मूवी के लिए पोस्ट क्रेडिट सीन देखते ना, वैसा ही क्रेडिट सीन इसमें भी है। तो उसके हिसाब से अब ऐसा लगता है कि शाहरुख खान इसके आगे जो उनकी जो इमेज है एक रोमांटिक हीरो की, उस तरह की फिल्में वो नहीं करेंगे, कुछ अलग तरीके की फिल्म करेंगे वो लोग। अच्छा। और सलमान खान का इसमें जो कैमियो है वो एक्चुअली इसको पठान को बचाने के लिए आते, एक पर्टिकुलर सीन में तो पठान को बचाने के लिए आते, उसका डिम्पल कपाड़िया शाहरुख खान को एक इशारा देती। वो इशारा देने का जो आइडिया है ना वो बहुत अच्छा है। लेकिन सलमान खान की जो एंट्री हुई उसको ना थोड़ा और लॉजिकल वे में दिखाना चाहिए था, तो फिल्म में ना और मज़ा आता। सलमान खान का जो उसमें यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। अच्छा, ओवरऑल मूवी को आप कितना रेटिंग दोगे? 5 out of 5 ओवरऑल मूवी को 5 out of 5 में 4.5 की रेटिंग दूंगा। अच्छा, थैंक यू। और आपको गणतंत्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और आपके सभी चैनल के जो सब्सक्राइबर है उनको, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी गणतंत्र की विशेष शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसी लगी पठान? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यानी शाहरुख नंबर वन एक्टर सर। जॉन कैसे लगे? जॉन बेस्ट विलेन सर। इसमें सलमान का भी केमियो दिखाया गया है जस्ट। हाँ सर। कैसे लगे वो? बढ़िया पठान। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, क्या लगा मुझे? उसमें एक्शन अच्छी लगी मेरे को। हाँ। और जो फोटोग्राफी है उसके अंदर जो बताया पिक्चर में वो ठीक लगा मेरे को। शाहरुख खान का कमबैक कैसे लगा? बहुत बढ़िया है, बहुत ठीक है। और जॉन दीपिका, जॉन को तो बहुत सही, उनको जो बताया गया है वो अच्छा बताया उनको भी। कितना रेटिंग दोगे मूवी को? मुझे उसको आइडिया नहीं। अच्छा, जो बॉयकॉट चल रहा था, बॉयकॉट तो ऐसा कुछ लगा आपको कि? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सर, मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं पिक्चर में ऐसा कुछ। और जो बेशरम गाना है उसके बारे में क्या कहोगे? वो गाना सब सुनने के बारे क्या बात है, वो पिक्चर गाना तो चलते रहता हो। ठीक है, थैंक यू। मूवी पठान क्या वैसी फिल्म तरह की फिल्म है भाई। अच्छा, शाहरुख खान कैसे लगे? शाहरुख खान का अच्छा लगा, जॉन का रोल अच्छा लगा। थैंक यू। कैसे लगी? बहुत मस्त पिक्चर है भैया। क्या मस्त क्या लगा? यानी 4 साल अभी नहीं बोल सकते। अच्छा, सब बढ़िया है। कैसी लगी पिक्चर? बहुत औसम है। कैसे लगी मूवी? बहुत जबरदस्त। क्या जबरदस्त क्या लगा? पूरे सस्पेंस ही सस्पेंस है। अच्छा। जा देखो 55। अच्छा। बस और बाकी सब बढ़िया है। कैसे लगी? बहुत प्यारी लगी, बहुत बहुत अच्छी पिक्चर थी। अच्छा। हम शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत अच्छी लगी भाई। 4.5 star दे दिए क्रिटिक्स ने, जो बड़े बड़े जो जितने भी है। 5.5 lakh का जो रिकॉर्ड टूटा है पूरा जस्टिस हुआ उसके साथ में। पूरा 2.5 घंटे की सी फिल्म है, 8 countries में शूट हुई है। केमियो बहुत जबरदस्त लगेंगे आपको, म्यूजिक एक भी जगह बोर नहीं है। शाहरुख खान कंप्लीट जस्टिस, एक्शन फिल्म है, ऐसा नहीं एक्टिंग नहीं करे उन्होंने, बेहतरीन फिल्म। जॉन के बारे में क्या कहो? इतना अच्छा केमियो दिया है, इतना अच्छा मतलब दिया है विलन को, मतलब जो है सोल्जर्स के अगेंस्ट में दिखाया है, कंट्री के अगेंस्ट में। इंडियन आर्मी फोर्स सबसे बड़ी आर्मी दुनिया की, उसके लड़ने के लिए विलन है वो भी इतने स्ट्रॉन्ग बताया गया फिल्म के अंदर। और जो बॉयकॉट का चल रहा था, अरे वो यूजलेस है सब, बेकार। जॉन बेस्ट, जॉन इज द बेस्ट एक्टर। कैसे लगी मूवी? मूवी बहुत अच्छी है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है। जो हॉलीवुड की कंपैरिजन में अभी बॉलीवुड चल रहा है, बहुत सुंदर दे दी हॉलीवुड। तो शाहरुख, जॉन, दीपिका कैसे लगे? अरे मैं तो शाहरुख का फैन, स्पेशली उसके जैसा ये लुक करना है तो मैंने तो उसी को देखा। लेकिन बाकी सब भी बराबर, स्टोरी और काफ़ी अच्छी है और अच्छा रिस्पांस मिलेगा। कितना रेटिंग दोगे मूवी को? कितना रेटिंग देना है? 5 out of 5 का 100 भी ले लो। नहीं, 5 out of 5 तो 5 ही है। 5 out of 5 है, कुछ छोटा नहीं है, सब कुछ सही है। इसमें बायकॉट वाली कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। वो खाली बायकॉट गैंग को जो दिखा रहे हैं वो सब कोई फ़ायदा नहीं है, पिक्चर अच्छी है। और जॉन इब्राहिम का जो नेगेटिव रोल दिखा है वो भी बढ़िया है। अच्छा। फिल्म का जो बेशरम गाना है उसके बारे में कुछ? नहीं, बेशरम सॉन्ग में ऐसा कुछ है नहीं, पर उसमें जो बता रहे हैं जितना प्रचार किए वैसा कुछ नहीं है उस गाने में। कलर से क्या करना है, कोई दिक्कत है किसी को? कितना रेटिंग दोगे मूवी को? 5 out of 5 भाई, में से 3 star बढ़िया। अरे कैसे लगे? बहुत अच्छी थी। क्या अच्छा क्या लगा? कैरेक्टर सब अच्छा लगा। KGF का रिकॉर्ड तोड़ देंगी दोनों भाई साथ में आ गए, इससे अच्छा और क्या होगा। टाइगर पठान बहुत बढ़िया।
तो दोस्तों, सब लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो मूवी जो है पठान, किंग खान की मूवी, जो यशराज बैनर तले बनी मूवी, सिद्धार्थ आनंद ने इसका डायरेक्शन किया है, ये मूवी फाइनली रिलीज़ हो गई है और पब्लिक ने देखी है। उन्होंने क्या बताया क्या नहीं बताया ये आप भी देख रहे हो, और आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे नाटू कला चैनल पर। फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, बॉयकॉट के बारे में हमने पूछा पब्लिक से तो उन्होंने बताया कुछ नहीं है ऐसा, ना गाने में कुछ है ना फिल्म में कुछ है, फिल्म अच्छी है ऐसे लोगों ने भी बताया है। फिल्म मैंने भी देखी है दोस्तों, फिल्म के बारे में बात करूँगा। तो फिल्म का पहला हाफ जो चल रहा है मुझे जो है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं, पर हाँ कुछ नया जो है शाहरुख खान लेके आए हैं, एक्शन पैक जो है वो अंदाज में वो नज़र आ रहे हैं। और जॉन की बात करूँगा, जॉन अब्राहम काफ़ी कमाल के लग रहे हैं, यानी पहली बार ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक्टिंग की है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है उन्हें लगा होगा कि उनके सामने कोई बड़ा स्टार है, और बड़ा स्टार होने के कारण वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि नहीं हमारा जलवा दिखाना चाहिए, तो ज़रूर डेफिनेटली उन्होंने जलवा दिखाया है। और दीपिका पादुकोण उन्होंने भी अच्छा ही काम किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है उनका, क्या है क्या नहीं है वो आप फिल्म देखिए तो ही पता चलेगा कि दीपिका पादुकोण ने इसमें क्या रोल निभाया है क्या कर रही है। साथ ही इसमें जो है आशुतोष राणा नज़र आ रहे हैं, आशुतोष राणा इसके पहले वार मूवी में भी देखे थे हमने, और डिंपल कपाड़िया जी भी है इस मूवी में, और काफ़ी शानदार काम किया है सब ने। और सबके चहेते सलमान भाई, जी हाँ टाइगर भी नज़र आएंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन है वो भी देखेंगे तो आप तालियां सिटियां बजाते रहोगे, काफ़ी अच्छा लगता है। फर्स्ट हाफ से ज़्यादा सेकंड हाफ काफ़ी सुंदर बनाया है और अच्छा लगता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक BGM अच्छा है, एक्शन जो है हाई लेवल का है, हॉलीवुड के लेवल का है, और साथ ही साथ गाने कुछ ज़्यादा नहीं है, दो ही गाने, जो पहला बेशरम रंग है और दूसरा जो है झूमे जो पठान, ये दो गाने हैं मूवी में। झूमे जो पठान आखिरी है, पोस्ट क्रेडिट भी है इसमें तो वो भी देखिएगा, अच्छा है वो भी, क्या होने वाला है पठान के साथ, पठान क्या करने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। मूवी अच्छी है, मैं मूवी को दूंगा इसको रेटिंग 5 में से 3 स्टार। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ और नया करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है इस मूवी में। तो स्पाई यूनिवर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अच्छा कंटेंट लाइए, आप तीनों आइए चारों आइए, जितने भी स्पाई यूनिवर्स में जुड़ने वाले हैं स्टार वो सब आइए, और कुछ बॉयकॉट नहीं है कुछ नहीं है, आइए और फिल्म देखिए, क्योंकि ये फिल्म में कहा है कि देश के लिए कुछ भी कर सकता है एक सोल्जर। जी हाँ दोस्तों, और एक बार ज़रूर आइए और मूवी देखिए पठान पठान पठान। जय हिंद, और आप सभी को जो आने वाला कल का दिन है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।